सो है गाइस, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और गाइस, इस न्यू ईयर स्पेशल में गाइस मैं आज आप सबके लिए लेके आ गया हूँ गाइस डार्क ट्रोन की न्यू प्रीसेट गाइस। और ये सारे प्रीसेट आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और ये प्रीसेट एग्जेम्पी में है कि डीएनजी में गाइस, ये तो गाइस आपको वीडियो में ही पता चलेगा। और गाइस, इस प्रीसेट में आपको पासवर्ड देखने को भी मिल जाएगा। तो गाइस, पासवर्ड आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में मिल जाएगा, तो वीडियो को देखते रहो गाइस। और गाइस, ये वाला प्रीसेट को एक बार यूज करके जरूर से देखना गाइस। तो गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग अपना फाइल मैनेजर में आ जाना, पहले तो जिप फाइल को डाउनलोड करना, उसके बाद ही फाइल मैनेजर में आना गाइस। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा प्रीसेट का, प्रीसेट जिप फाइल का, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आएंगे आप लोग फाइल मैनेजर में, और कौन सा फाइल मैनेजर डाउनलोड करना है गाइस वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड में, और डाउनलोड में जैसे ही आएंगे तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा न्यू लाइटरूम डार्क टोन प्रीसेट करके। और गाइस, ये प्रीसेट एग्जेम्पी फाइल में है, तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है, तो मैं आगे बताऊंगा गाइस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली इसको टैप कर लूंगा, और इसको पहले तो हम लोग अनजिप करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे थ्री डॉट है ना, इसको क्लिक करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे जल्दी से हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं जो गाइस आपको वीडियो के किसी भी पार्ट में मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ और इसे डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद गाइस आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। ये देखिए, एक अलग से फोल्डर बन के आ चुका है, लेकिन गाइस इसमें अभी कोई प्रीसेट ऐड नहीं है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे ही रिफ्रेश करूँगा गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो 10 आइटम करके लिखा चुका है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली टैप करता हूँ, और देखिए गाइस हमारा प्रीसेट सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो गाइस, इसको हमें क्या करना है, लाइटरूम एप्लीकेशन में जाना है और इसको ऐड करना है। तो चलिए गाइस, मैं जल्दी से लाइटरूम एप्लीकेशन में जाता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ गाइस। तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। अगर गाइस आप लोग यहाँ से ही अगर ऐड करना चाहते हो लाइटरूम एप्लीकेशन में, तो आपको सॉलिड एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। और जाना है आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में, हम लोग वहीं से ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो गाइस, आप लोग जो भी अपने फोटो को एडिट करना चाहते हो उसको तो आप लोग को लाइटरूम एप्लीकेशन में लेके आना होगा। और यहाँ पे लाने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करके रख देना है इसे। और गाइस, यहाँ पे प्रीसेट ऐड करना बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी है। तो मैं बता दूँ किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक आइकन मिलेगा आपको प्रीसेट करके, आपको ये कहीं पर भी मिल सकता है। तो सिंपली हम लोग यहीं पर जाते हैं, और गाइस आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा यहाँ पर लाइब्रेरी। तो यहाँ पर गाइस देखिए, कोई प्रीसेट ऐड नहीं है एक प्रीसेट के अलावा, इसके अलावा हम लोग एक और प्रीसेट ऐड करेंगे। तो कहाँ जाना है गाइस हमें, यहाँ पे देख सकते हो थ्री डॉट है, इसमें आ जाते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए इंपोर्ट प्रीसेट करके। तो सिंपली हम लोग वहीं पे जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद गाइस आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस रहेगा, आपका पूरा फाइल यहाँ पे ओपन रहेगा गाइस। जो फाइल मैनेजर हमने वहाँ पे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आपको जाना है जहाँ पे आपने डाउनलोड किया था, जिस फोल्डर में आपका जिप फाइल था वहीं पे चले जाना है। और यहाँ पे आने के बाद गाइस, जिस फोल्डर को आपने अनजिप किया था और एक अलग फोल्डर बन के आया था उसी को ओपन करना है, ना कि हमें जिप फाइल को, ये जिप फाइल है। और देखिए यहाँ पे एक अलग से फोल्डर बन के आ चुका है, तो सिंपली हम लोग इसको क्लिक करते हैं, और देखिए यहाँ पे हमारा प्रीसेट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थ्री सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे थ्री डॉट है इसमें क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है या फिर डन का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे देख सकते हो एक क्लिक में हमारा प्रीसेट ऐड हो जाएगा, ठीक है, एकदम सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब गाइस मैं दिखाता हूँ इसको एडिट करके। और गाइस, सारे डार्क प्रीसेट एकदम अलग अलग टाइप के हैं। तो ये देखिए गाइस, एकदम यूनिक टाइप के डार्क टोन है गाइस ये वाला। तो आप सब भी इस तरीके से अपने फोटो को डार्क टोन में एडिट करके गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। और ये गाइस एग्जेम्पी प्रीसेट है, तो ये गाइस एकदम इजी होता है और भी इंपोर्ट करना। तो ये देखिए गाइस, सिर्फ एक क्लिक में हमारा फोटो एडिट हो रहा है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू गाइस।